जिसमें उन्होंने बताया कि पंकज भाई को अंशु भाई को मारने की धमकी दी गई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हो। जैसे थंबनेल और टाइटल आपने देखा, इस तरीके से मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाने वाला था, ठीक है, क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने पहले भी कभी अपने चैनल पर इन 1.5 साल के करियर में कभी भी इस तरीके से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है। मैं दोबारा वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि नितिन भाई ने वीडियो डाला है और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हाथ जोड़ के विनती है पंकज भाई से कि वो वीडियो बनाए, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो राधा देवी अरियारी वाले चैनल पर अपलोड है, 2 घंटे पहले ही उन्होंने अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि पंकज भाई से हाथ जोड़ के विनती है कि आप दोबारा से एक वीडियो बनाए। अब मामला क्या है, पूरी चीजें हम आपको स्पष्ट बता दें कि ये वीडियो बनाने का दोबारा से रीजन क्या है, वो चीजें हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ समय पहले हम वीडियो बनाने गए थे जो कि नितिन के घर में, आपने सभी ने देखा है, उस वीडियो को बनाने गए थे। मामला वहां से स्टार्ट हुआ। इनका लड़ाई दंगा पहले से चल रहा, मुझे नहीं पता था, ठीक है। जब वो अंशु भैया गए थे बेरोजगार रसगुल्ला, वो जब वीडियो बनाने गए, उसके बाद हम वीडियो बनाने गए, वहां से मामला थोड़ा हाईलाइट हो गया। जैसे वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया, उसके बाद से इन्होंने एक वीडियो बनाया नितिन ने, जिसमें नितिन ने ये कहा, हालांकि नितिन ने गाली वगैरह नहीं दी थी हमको, कि जैसे यूट्यूबर उनके बारे में वीडियो बनाते थे तो वो सबको गाली देते, बट हमारे बारे में उन्होंने गाली नहीं दी थी, ठीक है। तो जब उन्होंने वीडियो बनाया हमारे लिए, तो उसमें कुछ चीजें उन्होंने ऐसी गलत बोल दी थी जो हमें बहुत खराब लगी, जैसे कि व्यूज के लिए चले जाते, मुंह उठा के इस तरीके से, क्योंकि उनको हमने पहले भी बताया, नितिन भाई को पहले भी बताया कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर हमारे ऐसे नहीं हो गए, वीडियो काफी ज्यादा हमारी वायरल है, आप सब लोग जानते हो, क्योंकि मैंने मेहनत की, आप लोगों का प्यार मिला, ठीक है। तो उनको हमने बताया था कि जो आपने वर्ड हमारे लिए बोले हैं कि व्यूज के लिए चले जाते, ऐसा तो आप बोलो ही नहीं, क्योंकि पहले से वीडियो हमारी वायरल है। और जो मुंह उठा के बात, दो वर्ड हमको बहुत खराब लगे, जिस पे हमने एक दोबारा से वीडियो बनाया उनको समझाने के लिए कि इस तरीके से आप ना बोलें वो ठीक है, ठीक है। वहां से मैटर खत्म हो गया, हमारा वीडियो बनाना बंद हो गया, क्योंकि हमें इस तरह की वीडियो लेनी नहीं थी। फिर अभी हाल ही में हमने एक दिन पहले वीडियो देखा, क्योंकि आज रात में वीडियो, जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो है सोमवार, संडे की रात में हमने वीडियो देखा। एक हम भाई हमारे अमित ब्लॉग, अमित कुछ ऐसी करके उनका चैनल है, उनका वीडियो देखा हमने, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि पंकज भाई को अंशु भाई को मारने की धमकी दी गई है, ठीक है। तो जिसमें उन्होंने अपने वीडियो में बताया, उसके बाद सुबह फिर नितिन भाई ने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप इस पर वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि हमने आपको मारने की धमकी दी या नहीं दी। ये पूरा मामला था, इसीलिए ये वीडियो उनके रिक्वेस्ट पर हम वीडियो बना रहे हैं। अब चलिए हम समझाते हैं कि मामला आखिर में नितिन भाई सही बोल रहे हैं या फिर अमित भाई सही बोल रहे हैं, क्या मामला। चलिए, मामला ये है, ठीक है, कि हम आपको साइड में स्क्रीनशॉट एक दे रहे हैं। ये मामला, इन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें इन्होंने हमारे बारे मानने और पढ़ना, क्योंकि आपको बता चुके रीजन, क्योंकि मुझे बुलाया गया, मैंने वीडियो बनाया, इसीलिए वीडियो बनाया था। आपसी मामला आपका जो भी, आप हम चाहते हैं कि आप निपटा लो, ठीक है, सभी लोग चाहते हैं, जितने लोग देखते हैं। हमने पहले भी कहा था इस तरीके से वीडियो यूट्यूब पर चलना खराब है, क्योंकि यूट्यूब पर हर एज के बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है। तो मैंने ये कहा था कि इस तरीके की वीडियो आप यूट्यूब पर ना चले वो अच्छा है, ठीक है, आप अपना मामला है सुलटा लो, ठीक है, मैंने यही कहा था कि आपका मामला है निपटा लो, क्योंकि एक ना एक दिन वो निपटना है। लेकिन इस तरीके की वीडियो अच्छी नहीं लगती यूट्यूब पे, क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म है, वह यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं सारा, तो कहीं ना कहीं असर गलत जाएगा। तो वो चीजें हमने समझा के वीडियो डाल दिया था दोबारा से, तो वो खत्म हो गया मैटर। लेकिन अभी जब फिर से नितिन भाई ने वीडियो डाला और रिक्वेस्ट करी है, आप चेक कर लीजिएगा, कि पंकज भाई से विनती है कि आप वो वीडियो बनाए, तो वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बना रहे हैं। मुझे कोई ले, मुझे कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना कि ये। तो नितिन भाई ने जो वीडियो डाला है, ठीक है, जिसमें अमित भाई ने रिएक्शन उठाया, क्योंकि अमित भाई के लिए भी गलत बोला गया, उन्होंने रिएक्शन उठाया कि इस तरीके से आपने जो पंकज भाई को मारने की धमकी दी, धमकी की बात तो ऐसी है कि आपने सबने देखा कि उसमें टाइटल जो है वो नितिन भाई ने बिल्कुल गलत लगाया था, क्योंकि आप नितिन भाई, आपको आप वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है अमित भाई भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो अमित भाई ने बात बोली बिल्कुल सही बोली, कि आपने वीडियो में भली हमारे विषय में गलत नहीं बोला, धमकी नहीं, लेकिन जो आपने टाइटल लिखा है
वो टाइटल आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित कर देगा और आप फंस सकते हो। ठीक है नितिन भाई, आपके लिए कह रहे हैं उस टाइटल से, क्योंकि हम चाहते तो आप पे एक्शन ले सकते थे, लेकिन मुझे इस तरीके से लेना देना नहीं, आपने टाइटल यूज कर लिया, मुझे इन चीजों। और हाँ, उस टाइटल से देख के लोग, बहुत से लोग ये सोच रहे हो कि पंकज भाई डर गए। नहीं, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरी पोस्ट कहाँ है, क्या नहीं है, ये चीजें मायने नहीं रखती। मैं सोचता हूँ चलो यार इग्नोर करते हैं सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया पे आप आए हो तो आपको दो बातें सुननी पड़ेंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो टाइटल की वजह से अमित भाई ने रिएक्शन लिया। ठीक है, और रही बात टाइटल की, तो नितिन भाई आप टाइटल इसको बदल दो, ठीक है मैटर खत्म हो जाएगा। और टाइटल कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर रहा है, क्योंकि उसमें साफ साफ आपने लिखा है मेरे लिए और उनके लिए, बेरोजगार रसगुल्ला भैया के लिए साफ साफ लिखा। और मेरा बात करने का जो लहजा है, आप करने का, ये सब कुछ कि ये संस्कार है, जैसे आपके माँ बाप संस्कार देंगे उस तरीके से आपको वो संस्कार, आप मुझे आप करके बात करना बहुत पसंद है, इसी तरीके से मैं बात करता हूँ। आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, तो नितिन भाई ने जो बोला था कि व्यूज के लिए चले जाते, तो उनको हम बता चुके हैं ऑलरेडी, वीडियो हमने बहुत अपलोड किए और सब में व्यूज ज्यादा है। ठीक है, आपकी इस वीडियो से हमारा कुछ भला नहीं हो जाएगा। हाँ मैंने पहले भी कहा था अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं दोबारा से जाऊंगा। रही बात मारने की धमकी, तो आपने मुझे मारने की धमकी नहीं दी थी, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट। लेकिन आपने थंबनेल लगाया है, टाइटल सॉरी टाइटल जो आपने दिया है वो बहुत गलत है। ठीक है, मैं चाहता तो इस पे एक्शन ले सकता था, और आपको पता है 1.5 लाख सब्सक्राइबर मैंने ऐसे नहीं कर लिए। ठीक है, किसी के हाथ जोड़ के, जो देखिए हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारा परिवार है, उनको आप लोग ऑडियंस बोलते हैं, हम इनको अपनी फैमिली बोलते हैं, जो जो भी है इनकी देन है, ये हमारा परिवार है, हमने शुरू से इनको परिवार माना है, ना कि ऑडियंस। ठीक है, आप लोग कुछ भी कहो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इनको अपना परिवार माना है। ठीक है, जैसे हमारा ये फैमिली तैसी हमारी ये फैमिली, ये हमको जहां लेके जाएगी मैं वहां जाऊंगा, उन्होंने सपोर्ट भी किया, तो इनकी ये देन है कि आज मैं 1.5 लाख सब्सक्राइबर कर लिए, ना कि किसी के वीडियो की वजह से कि हमने वीडियो बनाया, इन्होंने सपोर्ट किया, वीडियो को देखा तब उन्होंने सब्सक्राइब किया तभी। तो नितिन भाई ये तो आप बोलना ही नहीं कि व्यूज के लिए काम करते हैं, तो व्यूज के लिए मेरे लिए तो पर्सनली आप बोलना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से काम करते हैं, आपको मेरे बारे में अच्छे से, आपके पास मेरा नंबर भी है, आप चाहो, मैं नहीं चाहता कि वीडियो के बारे में लंबा मैटर हो, आपका मैटर सुलझ जाए वो अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता भी, सारे लोग चाहते हैं इस तरीके से वीडियो नहीं चलेगी क्योंकि गलत है। आपके पास मेरा नंबर है, मुझे पर्सनली कॉल करके बता सकते हो। ठीक है, जो भी दिक्कतें हो, बाकी अमित भाई ने जो वीडियो आपके लिए बनाया था वो टाइटल देख के वीडियो बनाया, क्योंकि टाइटल आपने बहुत गलत लिखा था, इसलिए उन्होंने एक्शन लिया। ठीक है, अंदर आपने वीडियो में, आपको पता है टाइटल और थंबनेल देख के लोग, बहुत से लोग होते हैं कि टाइटल देखते हैं थंबनेल देखते हैं उसके बाद वीडियो नहीं देखते, तो वो टाइटल आपका गलत है, आप उसको टाइटल को बदल दीजिए। रही बात धमकी की, आपने हमें वीडियो बना के कोई भी धमकी नहीं दी, बस टाइटल में आपने दर्शा दिया कि जान से मार, तो इस तरीके का टाइटल आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, और अमित भाई ने जो वीडियो मेरे लिए बनाया था उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत, और मैं आप जितने भी यूट्यूबर हैं सब लोग देख रहे हैं, मैं सबसे विनती करता हूँ इस तरीके से हम लोगों को मैटर नहीं पढ़नी है, तो बंद कर दीजिए आप लोग वीडियो डालना कि क्या दुनिया के झंझट में पड़ना है, बंद कर दीजिए आप सब लोग, अपना कंटेंट डालिए, छोड़ दीजिए इनको। ठीक है, आगे फिर देखते हैं क्या डिसीजन लेता है, और अगर ये कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं तो अच्छा है, अगर इसी तरीके से अगर आगे चलता रहेगा फिर हम लोग देखते हैं कि बाद में क्या होगा। फिलहाल अभी इनको छोड़ दीजिए और आप लोग वीडियो डालना बंद कर दीजिए, मेरी वीडियो तो दोबारा नहीं आती इस चीज़ पे, लेकिन अभी बेरोजगार रसगुल्ला भैया ने बनाया, क्योंकि उनके बारे में भी उन्होंने कहा था कि हमारी विनती है बेरोजगार रसगुल्ला भैया से कि वो वीडियो बनाए, तो उन्होंने वीडियो बना दी, उस वजह से मुझे भी वीडियो ये बनानी पड़ी। और हाँ, सभी लोग एक वीडियो बना के अपने अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और बताएंगे, जो जो इनकी वीडियो डालता है वो बताएंगे कि आज के बाद हम वीडियो नहीं डालेंगे और ये अपना मामला सुलटा लें, क्योंकि YouTube पे इस तरीके की वीडियो नहीं चलनी चाहिए वो, क्योंकि हम सब YouTube से जुड़े हैं, ज्यादातर समय हम YouTube पर देते हैं, अपने बच्चों को भी YouTube देते हैं कि कम से कम YouTube चलाए, YouTube से सीखे पढ़े, कार्टून वगैरह जो भी है सारा YouTube पे समय ज्यादा देते हैं, तो सभी लोग एक वीडियो भी अपलोड करेंगे और सब लोग बताएंगे कि इस तरीके से वीडियो नहीं आनी चाहिए और हम भी वीडियो नहीं डालें। अमित भाई आप भी वीडियो डालिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी वीडियो डालिए, मुझे बताइएगा मैंने जो बोला वो सही है या गलत, अगर मेरी बात किसी को गलत लग रही हो तो उसके लिए सॉरी। और नितिन भाई आपसे मैं कह रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट करी थी इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, आप टाइटल को चेंज कर लीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ टाइटल को चेंज कर, मैं नहीं कहता इस तरीके से लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ टाइटल को चेंज कर दीजिए। ठीक है, उसमें जो आपने लिखा है
वो हटा दीजिए, जो जॉन से मारने वाला जो कुछ है हटा दीजिए, और आप उसके अलावा कुछ भी लिख दीजिए। देखिए हमें भी पता है कि अगर आप थोड़ा सा क्लिक वेट नहीं करेंगे टाइटल थंबनेल में तो लोग आएंगे नहीं, लेकिन जान से मारने वाला ये आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में खड़ा कर देगा। मेरी जगह अगर और कोई होता तो आप फंस जाते, आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया, यहाँ वीडियो किसके पास चला जाए आपका, ठीक है, और 1.5 लाख सब्सक्राइबर है। मैं भी कुछ कर सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि आप सब एक लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नहीं चाहते। लेकिन आप टाइटल को चेंज कर दीजिए, आज वीडियो वो अमित भाई के पास पहुंचा, कल किसी को, कल किसी अगर अधिकारी के पास पहुंचता तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कोई भी हमें धमकी नहीं दी थी, लेकिन टाइटल के माध्यम से आपने हमको धमकी दी थी, वैसे आपने बोल के नहीं दी। आप आपका टाइटल को चेंज कर लेते हैं, सारा मैटर समझ में आ जाएगा, सब समझ। और अमित भाई आप भी एक वीडियो बनाइएगा, नितिन भाई आप भी फिर से एक वीडियो बनाइएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो आपको ठीक लगा, आपकी गलती है या नहीं है इस पर एक वीडियो जरूर बनाएगा प्लीज, कि आपने जो गलती टाइटल लिख के गलती की है नहीं की, उस पर एक वीडियो बनाइए। आज के बाद कोई भी वीडियो आपके ऊपर नहीं बनेगी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई भी वीडियो नहीं बनेगी। अगर कोई वीडियो बनाता है तो वो व्यूज के लिए बनाएगा, लेकिन कुछ समय तक, मैं फिर से कह रहा हूँ कुछ समय तक, क्योंकि आप समझते हो ना इस तरह की वीडियो नहीं, जब बार बार इस तरह की वीडियो आएंगी तो फिर लोग मजबूर हो जाएंगे वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर डालिएगा आज या कल, कल तक वीडियो जरूर डालिएगा। सभी से मेरी विनती है, बेरोजगार रसगुल्ला भाई आप भी डालिएगा और बताइएगा। बाकी अन्य जो यूट्यूबर हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, मतलब वीडियो के माध्यम से उन्होंने वीडियो अगर अपलोड की होंगी आपकी, तो वो भी डालें। बाकी कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ तक पहुँचाया, बाकी सभी को आप सपोर्ट करिए, ठीक है। और इस तरीके से वीडियो आप अमित भाई आप जरूर बनाइएगा, मेरे बारे में बताइएगा कि मैंने क्या सही बोला क्या गलत बोला। नितिन भाई आप भी, आपने अगर गलती की है तो आप मुझे बताइए कि मैंने जो बोला है टाइटल के लिए वो सही है गलत है। ठीक है, आज की बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेकिन इस तरीके की वीडियो नहीं बनाए। और जितने भी हमारा परिवार देख रहा है, हमारी फैमिली देख रही है, उनसे विनती करते हैं और सॉरी भी बोलते हैं कि आइंदा आपको इस तरीके की वीडियो नहीं मिलेगी, और भी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है।